बताना कि एक बैंक की मनमानी के खिलाफ निजी होटल के मालिक द्वारा मोर्चा खोलते हुए बैंक के सामने ही भूख हड़ताल के रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठने वाले होटल के मालिक अनीश कुमार ने बताया कि 2013 में उन्होंने बैंक से 6.80 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिनमें से उन्होंने 4.20 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। 2014 में एक सरकार द्वारा सरकारी विभाग ने सड़क का काम शुरू कर दिया था, जिसके कारण तकरीबन होटल बंद रहा और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी एक निजी जायदाद बेचकर लोन वापस किया और ईमानदारी दिखाई। यहाँ अनीश कुमार का कहना है कि बाकी की रकम के लिए बैंक उन्हें बार बार परेशान कर रहा है, जिससे वे काफी चिंतित हैं। कर्ज लेने वाले अनीश का कहना है कि बाकी की रकम वह देने के लिए तैयार है, मगर उन्हें थोड़ा समय चाहिए। 2013 के बीच मैं इन्हों तो लोन लिया 6.80 करोड़ रुपया। 2014 के गलाडा ने उत्थे ट्रीटमेंट प्लांट लाना सी, जिदे कारण उन्हें 20 फुट डूंगा पट्टिया उत्थे पाइपलाइन बिछाई तो 1.5 साल काम चलता रहा। 1.5 साल मेरे होटल का काम बिल्कुल जीरो होया। उहदा असर यह होया कि मेरा होटल का काम बिल्कुल ठप्प हो गया। जो मेरे को थोड़ी मोटी सेल हुई सी, प्लस मैं अपनियां प्रॉपर्टियां बेच के 4.20 करोड़ रुपया इन्हों वापस करया, तो रहिंदी रकम मैं 2,60,000 रुपया भी इन्हों देने लिए तैयार हाँ और इन्हों बार बार रिक्वेस्ट कर रहा, पर यह मैनू इंट्रस्ट के उपर इंट्रस्ट ला रहे ने, जो कि मैं नहीं दे सकता, ना ही कोई मेरा कसूर है। पहला तो किसान मरते सी, हुण व्यापारी भी, मैनू लगता भी जिन्ना ये सानू तंग कर रहे ने, व्यापारी भी अपना आप नू सुसाइड दे कोल लैके जा रहा। नीरव मोदी अर्गे, माल्या अर्गे 5,000 करोड़ 9,000 करोड़ लैके भज रहे ने, जबकि मैं तो इन्हों फिर भी इन्हों की रहिंदी रकम मोड़न लिए तैयार हाँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बैंक नूं असी कल भी रिक्वेस्ट की सी, पहला भी असी बहुत इन्हों लैटर भेजिया ने, पर साडी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ये ब्याज के उपर ब्याज ला के साडे तो पेमेंट मंग रहे, जो कि मैं दे ही नहीं सकता। कोर्ट का सहारा लिया सी, पर उत्थे भी मैनू यही कहा गया भी न जो गल करनी है बैंक में जाके करो, पर बैंक को मैं बहुत रिक्वेस्ट कर चुका, पर मेरी इतने कोई सुनवाई नहीं हो रही।